कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिज्ञासाज फैमिली ब्लॉग्स। और फ्रेंड्स, समय हुआ है रात का, तो ये समय है मेरे किचन क्लीनिंग का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो बस आ गई हूँ मैं किचन में और कर लेती हूँ अपना काम शुरू, और साथ ही साथ आपके आपके साथ बातें भी चलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, ये बर्तन अगर सारी किचन हमारी रात को साफ कर दी जाए तो सुबह बहुत अच्छा लगता है किचन में काम करने में, क्योंकि किचन सुबह के तो वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं, मॉर्निंग के बहुत सारे काम होते हैं सुबह, जैसे बच्चों का भी काम होता है, बच्चों की क्लासेस का भी काम होता है, और हमारे घर का तो सारा काम होता ही है। तो अगर ये रात को सारा काम, एक्स्ट्रा काम जो हमारा होता है, अगर ये सारा काम हमारा रात को सफाई हो जाए, जैसे किचन की सफाई होनी होती है और ये सारा एक्स्ट्रा ही काम तो होता है सुबह को अगर किया जाए, तो अगर मैं रात को सारे काम कर देती हूँ तो सुबह बहुत आसानी के साथ में सारे काम मेरे और बाकी काम भी खत्म हो जाते हैं। तो बस आ गई हूँ मैं जल्दी जल्दी करने, कर लेती हूँ अपना काम खत्म। और सर्दियों का तो समय है, अब वैसे भी सर्दियाँ काफ़ी हो रखी हैं, तो ये मैं गैस साफ़ कर देती हूँ पहले तो अच्छे से, क्योंकि सुबह अगर गैस साफ़ मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है इस पर काम करने में, वरना गंदी गैस होती है तो फिर हमें पहले गैस साफ़ करनी होती है, फिर पूरी किचन साफ़ करनी होती है, और ये गंदे बर्तन होते हैं वो साफ़ करने होते हैं, तो हमारा बहुत समय इन चीज़ों में ही बर्बाद हो जाता है। और अगर हम ये सब काम रात को ही ख़त्म कर लें तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छा भी लगता है सुबह को, जब साफ़ किचन में हम काम शुरू करते हैं तो अच्छा लगता है। तो बस मैं जल्दी जल्दी यहाँ गैस साफ़ कर ले रही हूँ, और ये अपना टाइल्स वगैरह सब साफ़ कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि यहाँ जब हम सब्जी में तड़का वगैरह लगाते हैं तो यहाँ ऑयल की मतलब छींटे आ जाती हैं हल्के लिए, वो अगर आप डेली साफ़ करते रहो तो वो जमती नहीं है, मतलब इकट्ठा ऐसे नहीं होती हैं, वो जिद्दी दाग नहीं बनते हैं, वरना अगर आप डेली साफ़ नहीं करो तो वो काफ़ी जिद्दी निशान बन जाते हैं, जो आपको बहुत मुश्किलों के साथ साफ़ करने पड़ते हैं, और बल्कि साफ़ भी नहीं हो पाते हैं फिर अच्छी तरह से। जैसे आप डेली साफ़ करते हो तो किचन एकदम चमकती रहती है, तो बहुत मज़ा आता है ऐसी किचन में काम करने में। तो ये बस मेरी किचन साफ़ हो जा रही है जल्दी जल्दी, फिर मैं इसी के साथ अपने बर्तन भी साफ़ कर लूँगी, तो बस हो गई है मेरी किचन साफ़।
तो फ्रेंड्स हो गए हैं, मैंने साबुन तो लगा दिया है, सबको मांज के रख दिया है अच्छे से। अब इनको धुलना बाकी है, और बकेट भी साफ़ कर ली है अच्छे से, और जगह भी साफ़ कर लेती हूँ जहाँ मुझे ये बर्तनों का स्टैंड रखना है, और इसको अच्छे से साफ़ करके बर्तनों का स्टैंड को भी, और तब मैं इसमें रखूँगी बर्तन, तो क्योंकि कभी कभार तो इसको भी साफ़ कर लेना चाहिए। रोज़ तो डेली अगर नहीं भी कर रहे हो तो कभी तो अपना 4-5 दिनों में तो एक बार अगर ये स्टैंड भी अच्छे से साफ़ हो जाए तो अच्छा लगता है, क्योंकि बर्तनों का, हमारे बर्तन इसमें रखे जाते हैं, खाना पीना सब अपना होता है हमें बर्तनों को, तो बर्तन भी सब साफ बकेट में रखे रहने चाहिए। तो अब मैं बस जल्दी जल्दी धुल के और जल्दी से इनको बकेट में रख लूँगी, और फिर इनको इसमें रख के अपना छोड़ दूँगी, क्योंकि रात भर अपना ये रख इसमें बकेट में रखे रहते हैं तो ये सारा पानी भी इनका सूख जाता है, क्योंकि अगर हम ऐसे के ऐसे ही इनको लगाएंगे तो सारे में गीला गीला हो जाता है, सब जगह पानी पानी जैसा हो जाता है। तो यहाँ अगर बकेट में ही आप रखे छोड़ दो केवल रात भर के लिए, तो बस यहीं एक जगह ही पानी रहेगा, और सुबह तक काफ़ी अच्छे तक सूख सूख जाते हैं बर्तन। फिर आप सुबह को अपना सारे मैं स्टैंड में लगा देती हूँ, जहाँ और जो जो बर्तन जहाँ जहाँ मुझे रखना होता है लगाती हूँ मैं सुबह को, रात भर अच्छे से सूख जाएंगे। तो बस मैं फ्रेंड जल्दी से धुल लेती हूँ अपने बर्तन। तो फ्रेंड्स हो चुकी है हमारी किचन साफ, ये देखिए साफ हो चुकी है अच्छे से, बर्तन भी साफ हो चुके हैं सारे, और सिंक भी साफ हो चुका है, और इसमें मैंने पानी भर के रख दिया है जग में, ताकि बच्चे इसमें से आराम से लेके पी सकते हैं। आरओ तक बच्चों का हाथ नहीं पहुंच पाता, वहाँ ऊंचा है काफ़ी, तो जग से बच्चे अपने आप कभी भी पानी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है उनको। और ये देखिए फ्रेंड्स, अगर हम डेली इस तरह से साफ़ करते रहें तो स्मेल भी नहीं होती है, और ना ही कोई ज़िद्दी निशान बन पाते हैं, और हमारी किचन डेली की डेली साफ़ सुथरी बनी रहती है, और हमारे लिए कोई परेशानी भी नहीं होती है। काम नहीं, मतलब ऐसा होता है कि हमें फिर एक दिन अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है, अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करनी पड़ती है, तब भी वो इस तरह से साफ़ नहीं हो पाती है जो हम डेली करके साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सिंक भी अच्छे से साफ़ हो गया है, बस अब रात भर इस तरह से साफ़ रहेगी तो कोई स्मेल ही नहीं होती है किचन में, फिर सुबह तक के लिए साफ़ है ये, बर्तन भी अच्छे से सूख जाएंगे रात भर में। तो फ्रेंड्स हुई क्या हमारी किचन साफ़, कमेंट जरूर करके बताइएगा कैसी लगी है आपको हमारी किचन साफ सुथरी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिज्ञासाज फैमिली व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बनाए हैं, जैसे फैमिली इंट्रोडक्शन पे बनाया है, और मलाई से घी आप आसानी तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप सब सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप सबको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। करते हैं आगे ब्लॉग अपना कंटिन्यू करते हैं, मैं आपको अपने बच्चों से मिला देती हूँ और करते हैं बाकी अपना ब्लॉग शुरू। हेलो, तो फ्रेंड्स ये हैं बाबू और छोटा। अगर आपने पहले फैमिली इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो ये मेरी छोटी बेटी विदुषी, यानी प्यार से बुलाते हैं हम छोटा,
और ये है मेरी बड़ी बेटी उर्वी, और हम बुलाते हैं प्यार से बाबू। और अगर आपने फैमिली इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। तो ठीक है फ्रेंड, अब करते हैं अपना व्लॉग कंटिन्यू और करते हैं अपने काम शुरू। अब मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट, सुबह का टाइम है तो ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और ब्रेकफास्ट में आज मुझे बनाने हैं आलू प्याज के पकौड़े, तो चलिए बनाते हैं और गर्मा गर्म आपको खिलाते हैं। तो अब आप आ चुके हैं हम किचन में। ये देखिए मैंने पहले से ही तैयारी करके रखी थी कि प्याज काट के रखी हुई है, हरी मिर्च काट के रखी हुई है, और धनिया काट के रखा हुआ है हरा धनिया। और ये देखो आलू काट के रखे हुए हैं, ऐसे पतले पतले आलू काटने हैं मैंने पकौड़ियों के लिए, ताकि मुझे अच्छे से करारे करारे क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े बनाने हैं। यहाँ मैंने तेल ले लिया है और गैस पर रख दिया है, मैंने कढ़ाई में गर्म होने के लिए तेल रख दिया है। अब मैंने बेसन डाल लिया है इसमें, आलू में अपने हिसाब से बेसन मिला लेना है जितना चाहो आप, क्योंकि मुझे ज़्यादा बेसन भी नहीं अच्छा लगता है, कि जो ज़्यादा बेसन हो जाता है वो भी नहीं अच्छा लगता है, बस अपने हिसाब से ले लेना है। अब मैंने लाल मिर्च डाल दी है इसमें, हरी और हल्दी डाल दी है, और ये सूखा धनिया डाल दिया है पिसा हुआ। ये मेरे घर का ही है पिसा हुआ, मतलब मैंने घर में ही पीसा है। और बस अब इसमें हरी मिर्ची डाल लूँगी और धनिया डाल दूँगी और प्याज इसमें मिक्स कर लूँगी, और बाकी इन सब चीज़ों को अच्छे से इसका इसको मतलब मिला लेना है सब चीज़ों को इसमें। और अगर थोड़ा बहुत लगे कि इसमें थोड़ा हमें पानी भी डालना पड़ेगा तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये देखो मैंने इसको मिला के तैयार कर लिया है, इस तरह का तैयार हुआ है बन के। और तेल मेरा अच्छे से गर्म भी हो चुका है, गैस तेज़ की हुई है मैंने फुल अपना। और बस अब मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा उसमें पकौड़े बना के डालती जाऊँगी। मुझे ज़्यादा मोटे मोटे भी नहीं डालने हैं पकौड़े, क्योंकि वो अंदर से कच्चे नहीं रहने चाहिए, क्रिस्पी होने चाहिए, अंदर तक सिक जाने चाहिए। ये देखो ये इस तरीके से छोटे छोटे पकौड़े मैं डाल दूँगी। और अच्छा तेल ले लिया है, कम भी नहीं है, मतलब अच्छे से डो पा रहे हैं उसमें, इतना तेल लिया है कि उसमें अच्छे से सिक जाए। ये देखिए इस तरह से डाल लिया है। मुझे ना हल्दी थोड़ी ज़्यादा इसलिए अच्छी लगती है इसमें, कि कलर इस तरह का जब पकौड़ों का आता है ना, तो वो ज़्यादा देखने में बहुत सुंदर लगता है, और जब देखने में सुंदर लगेगा तो खाने का तो मन करेगा ही। ये देखिए मैंने उसको पलट भी दिया है, और ये देखो एक तरफ से सिक चुके हैं हमारे पकौड़े, अब दूसरी तरफ से सेक लूँगी इसी तरह। अगर फ्रेंड्स आपका मन करे तो बना के ज़रूर खाइएगा, क्योंकि आज सर्दी भी बहुत थी, और फिर मेरे तो बच्चों का मन काफ़ी था कि मैं पकौड़े बना के खिलाऊँ उनको गर्मा गर्म, तो बस मैंने आज इसीलिए बनाए। ये देखिए अगर आपको इस तरह से खाने का मन करे तो एक बार ज़रूर बना के खाइएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके पकौड़े कैसे बने। ये देखिए कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी कलर, कितना सुंदर आ रहा है ना हमारे पकौड़ों का। ये देखिए बस इस तरह से ही सेक लेना है, और बस आप किसी के साथ भी खाइए, हरे धनिए की चटनी के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, या चाय के साथ खाइए, जो मर्जी जिसके साथ खाइए, मुझे भी सभी के साथ पसंद है। ये देखिए अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बन गए हमारे गर्मा गर्म पकौड़े, आइए और खाइए। तो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट भी हमारा हो चुका है, और मुझे करनी है अब लंच की तैयारी। उससे पहले कर लेते हैं ब्लॉग का एंड, वरना ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और फ्रेंड्स अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइएगा कि मेरी किचन क्लीनिंग का ब्लॉग भी कैसा लगा। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।